सूर्यादित्य न्यूज, आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य किए हैं, आइए जानते हैं मोदीनगर की विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज की जुबानी। मैडम, मोदीनगर विधानसभा में 4.5 साल हो चुके हैं आपको विधायक बने हुए, कितने कार्य हुए हैं इस विधानसभा में अब तक? मोदीनगर विधानसभा के अगर मैं विकास के कार्य की चर्चा करूं तो केंद्र सरकार से मेरे क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए। अगर आप देखें तो मेरठ डासना रोड एक ऐतिहासिक सड़क है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से गुजरती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर मुझे स्लिप रोड मिली, जिससे कि मेरे यहाँ व्यापारिक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे किसानों की ज़मीनों की भी कीमत बढ़ गई है, आने जाने में सुविधा जो हुई वो तो है ही, साथ ही साथ RRTC के जो हमारी रैपिड ट्रेन आ रही है उसके 2 स्टेशन मुझे मोदीनगर में मिले हैं, और उसके माध्यम से जो हमारे और बहुत सारे नौकरी करने वाले युवा हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ चारों तरफ जो गंगा एक्सप्रेसवे भी इधर से आ रहा है, साथ ही साथ हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के अंतर्गत हमारी सड़कें बन रही हैं, हमारा एक यार्ड भी बना है रेलवे का रोरी में, हमारे रैपिड रेल जो फ्राइट कॉरिडोर है मालवाहक गाड़ियों के लिए वो भी मेरे क्षेत्र से जा रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। साथ ही साथ अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करूं तो सबसे पहले प्रदेश सरकार ने मेरे यहाँ जो हमारे यहाँ पावर लूम चलते थे उनको बहाल करा। मेरे यहाँ सबसे पहली मीटिंग श्रीकांत जी की हुई थी, जिसके बाद से मेरे बिजली केंद्र जो है उच्चीकृत हुए, छोटे छोटे सब सेंटर्स बने और बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। आज आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग 22 घंटे बिजली मेरे शहर में ज़रूर आती है, कोई यदि आंधी तूफान ना हो, और गांव में भी उचित मात्रा में हमें बिजली मिल रही है, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, तारों को बदला जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो सबसे पहले मेरे क्षेत्र को मिली। साथ ही साथ आदरणीय योगी जी ने मुझे मेरे क्षेत्र के लिए एक कन्या डिग्री कॉलेज दिया। कन्या डिग्री कॉलेज मेरी मन की एक इच्छा थी कि मेरे क्षेत्र को एक कन्या डिग्री कॉलेज मिले, और मैं उसकी हमेशा उनके लिए आभारी रहूंगी। साथ ही साथ मेरे जो बस अड्डा है उसको सुंदर करा गया, उसको चौड़ा करा गया, और वहां से धार्मिक स्थल जैसे हरिद्वारगढ़, मुक्तेश्वर और वृंदावन के लिए एक्स्ट्रा बसेस चली। इसके साथ ही मुझे आदरणीय योगी जी ने एक आइनॉक्स गैस जो है वो दी, जिसका आपने देखा होगा कि कोरोना समय में बखूबी उसका प्रयोग हुआ, और लिक्विड ऑक्सीजन वहां से बनके आसपास के बहुत सारे क्षेत्र को दी गई। इसी के साथ आदरणीय योगी जी से मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि हमारी नगर पालिका के चारों तरफ गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्यों ना हम नगर पालिका को बड़ा कर दें। तो नगर पालिका का विस्तारीकरण मेरे ही कार्यकाल में हुआ, और आदरणीय योगी जी ने इस पर बहुत कृपा करी, हालांकि मुझे इसमें लगभग 3-3.5 साल लगे। साथ ही साथ जो हमारे डेवलपमेंट चार्ज था मोदीनगर का, आपको यकीन नहीं आएगा कि मोदीनगर शहर जो कि एक जिले गाजियाबाद का एक ऐसा शहर है जहां हमारे मजदूर भाई रहते हैं। और आज के लिए बस खबरों में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार।